हेलो एंड वेलकम टू द सरदाना एकेडमी। आज हम लोग टाइगर सेंसस 2023 पर डिस्कशन करेंगे। तो मेरा नाम है अंशुल पाठक और इस सेगमेंट में हम लोग इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, ये जो न्यूज़ है टाइगर सेंसस की, ये इंडियन एक्सप्रेस के 9 अप्रैल के न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी। तो ये इसकी ऑनलाइन क्लिपिंग है। पीएम मोदी रिलीजेस टाइगर सेंसस फिगर्स, नंबर ग्रोज टू 3167 इन 2022। तो देखिए, 2022 में टाइगर का नंबर जो हो गया है इंडिया में 3000 क्रॉस कर गया है, 3167 हो गया है। ये बात है 2010 की, जब रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग में एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें 13 कंट्रीज जहां पर टाइगर पाए जाते हैं, ये कंट्रीज मिल करके सेंट पीटर्सबर्ग में एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया जाता है कि टाइगर्स का नंबर अब इन कंट्रीज़ में डबल किया जाएगा और इस मिशन को नाम दिया जाता है TX2। टाइगर का नंबर डबल करने का TX2 मतलब T x 2। तो टाइगर का नंबर डबल करने का मिशन TX2 के नाम से जाना जाता है। और फिर इसमें डिसाइड किया जाता है कि अब हर कंट्री अपने देश में टाइगर के कंजर्वेशन के लिए, टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए वर्क करेगी। जो टाइगर की पोचिंग होती है, टाइगर को मारा जाता है, टाइगर की जो खाल है उसका यूज़ किया जाता है, टाइगर के नेल्स का, ब्लड का यूज़ किया जाता है मेडिकेशन में। तो इस तरीके से टाइगर की किलिंग को रोकना सबसे मेजर टारगेट था 2010 में। तो इस कंटेक्स्ट में इंडिया ने ये मिशन ज्वाइन किया और 2011 में टाइगर का ये करवाया गया, सेंसस करवाया गया। और उस सेंसस में टाइगर का जो नंबर था ये 1411 था केवल। तो उस 1411 को डबल करना मेजर टारगेट था, 1411 को डबल करना मेजर टारगेट था, इनिशिएटिव था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और ये टारगेट बहुत जल्दी इंडिया ने अचीव कर लिया। 2018 में ही जो सेंसस हुआ, इस 18 के सेंसस में इंडिया का नंबर 2900 समथिंग हो गया था। तो 2916 हो गया था शायद। तो 2916 की वजह से इंडिया ने अपना डबल का टारगेट अचीव कर लिया बिफोर दी डेडलाइन। और 10 साल में ये डेडलाइन अचीव करने का रखा गया था, मतलब 2022 अचीव करने का टारगेट था, 2018 में ही हम लोगों ने अचीव कर लिया था। और अब 2022 में जो सेंसस हुआ है, इस सेंसस में 3167 टाइगर्स हो गए हैं इंडिया में। तो हर 4 साल पर ये सेंसस कंडक्ट कराया जाता है। 2018 के बाद 2022 में सेंसस हुआ और उसके जो डाटास थे अब रिलीज़ किए गए 9 अप्रैल 2023 में। और ये 9 अप्रैल 2023 में क्यों रिलीज़ किए गए? क्योंकि 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था, इंडिया में। और इस प्रोटेक्शन एक्ट में सबसे पहला जो एनिमल प्रोटेक्ट करने का काम किया गया वो था टाइगर। और टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर इंट्रोड्यूस किया गया 1973 में, 1 अप्रैल 1973 को, 1 अप्रैल 1973 में। तो 1 अप्रैल 1973 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया प्रोजेक्ट टाइगर को। और अब इसके 50 साल हो चुके हैं कंप्लीट। तो इसी 50 साल के उपलब्धि को सेलिब्रेट करने के लिए, फेलिसिटेट करने के लिए
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर्नाटका जाते हैं और कर्नाटका में जाकर के ये 9 अप्रैल को टाइगर सेंसस को रिलीज़ करते हैं 2022 के, और इस तरीके से 50 साल के टाइगर रिजर्व के, टाइगर प्रोटेक्शन के उपलब्धि को सेलिब्रेट किया जाता है, फेलिसिटेट किया जाता है। तो ये रीज़न था कि 9 अप्रैल 2023 को टाइगर रिजर्व, टाइगर सेंसस रिलीज़ किया गया 2022 का। तो देखिए मोदी जी, ये फुटेज है जब मोदी जी ने डिक्लेयर किया टाइगर सेंसस को 2023 में। ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व में उस समय थे, बांदीपुर कर्नाटका में है, तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व में जे थे और ये इन्होंने उस समय अपनी फोटो क्लिक करवाई। तो ये जो टाइगर सेंसस है, ये 5वां टाइगर सेंसस है, और इस टाइगर सेंसस में 2022 के टाइगर सेंसस में इंडिया में टाइगर का नंबर 3167 हो गया है। 2018 में जो नंबर था ये 2967 हुआ करता था। तो 2967 2018 में ही हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। इस बार जो इंक्रीमेंट हुआ है 2018 से लेकर के 2022 तक, 4 सालों में जो इंक्रीमेंट हुआ है, ये 200 टाइगर्स का इंक्रीमेंट है। देखिए 2967 से 3167 हो गए हैं, एग्जैक्ट 200 का फिगर इंक्रीज हुआ है। तो इन 4 सालों में जो टाइगर्स के इंक्रीमेंट का नंबर है वो 200 है, 200 टाइगर्स का इंक्रीमेंट हुआ है। और ये परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो 6.7% इंक्रीज़ हुआ है टाइगर पॉपुलेशन में पिछले 4 सालों में, 2022 से पहले 2018 तक। तो 4 सालों में 6.7% का इंक्रीमेंट है टाइगर की पॉपुलेशन में, और 200 टाइगर्स का इंक्रीमेंट है नंबर्स में। वाइल टाइगर्स इन द कंट्री स्टड एट 1411 इन द 2006, तो 2006 में भारत में टाइगर्स का नंबर था 1411, और इस 1411 को डबल करना था, क्योंकि 2010 में जो सेंट पीटर्सबर्ग में 13 कंट्रीज़ की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो मीटिंग हुई थी, उसमें ये डिसाइड हुआ था TX2। तो ये 2010 में 1706 हो गए, और 2014 में 2226 हो गए, और 2018 में 2967 हो गए। ये जस्ट डबल हो गया। देखिए ये स्टैटिस्टिक्स से दिखाया गया है कि 2006 में 1411, 2010 में 1706, 2014 में 2226, और 2018 में ये TX2 का टारगेट जो था ये अचीव कर लिया गया था 2967 में, और 2022 में 4 सालों के बाद 200 का और टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज होती है और 3167 टाइगर्स हो जाते हैं इंडिया में। तो इस तरीके से टाइगर के कंजर्वेशन में, टाइगर के प्रोटेक्शन में इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पलरी वर्क किया है पिछले 50 सालों में। जो प्रोजेक्ट टाइगर का परफॉर्मेंस रहा, ये सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुआ है इंडिया में, और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए ये टाइगर सेंसस अप्रैल में इंट्रोड्यूस किया गया। हालांकि जो 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में 13 कंट्रीज़ की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये 29 जुलाई 2010 में हुई थी। तो इसी दिन को, 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे डिक्लेयर कर दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस डिक्लेयर कर दिया गया। तो हम लोग हर साल इंटरनेशनल टाइगर डे मनाते हैं 29 जुलाई को, जबकि इंडिया में अप्रैल में 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर रिलीज किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसीलिए 50 साल अप्रैल में हुए, तो हम लोगों ने ये टाइगर सेंसस अप्रैल में रिलीज किया, डिक्लेयर किया। मोदी ने
जो प्रधानमंत्री मोदी हैं ये टाइगर सेंसस कंडक्ट कराया, और इस टाइगर सेंसस को कंडक्ट करने के साथ साथ, इस टाइगर सेंसस को डिक्लेयर करने के साथ साथ कर्नाटक में बांदीपुर में, बांदीपुर टाइगर रिजर्व में ये टाइगर सेंसस डिक्लेयर किया गया। और इसके साथ उन्होंने एक और काम किया, और वो काम ये था कि उन्होंने ये जो कैट होती है, बिग कैट, टाइगर इज कंसीडर्ड एज अ बिग कैट, कैनाइन फैमिली से बिलोंग करती है ये, लेकिन कैनाइंस में डॉग्स भी आते हैं, कैट्स भी आते हैं, और भी बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, अदर एनिमल्स, तो उनमें कैट की जो स्पीशीज है इसमें भी कई सारे और वेरिएंट्स होते हैं। तो इन बिग कैट्स को कंट्रोल करने और बिग कैट्स को प्रोटेक्ट करने और प्रमोट करने और इनका नंबर इंक्रीज करने के लिए 2010 में जो 13 कंट्रीज का अलायंस बना था उसको नाम दिया गया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। और ये काम पीएम मोदी ने भारत में किया है, और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को इंट्रोड्यूस करके पिछले 50 सालों का टाइगर रिजर्व का, टाइगर प्रोजेक्ट का जो इनिशिएशन है उसको सेलिब्रेट किया गया। तो ये बिग कैट, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में बहुत सारे कंट्रीज ज्वाइन हो रहे हैं। इन बिग कैट अलायंसेस में जो मेजर कैट्स हैं वो 7 हैं, 7 मेजर कैट्स को इसमें जगह दी गई है। और ये 7 मेजर कैट्स हैं, टाइगर्स, लायंस, लेपर्ड्स, स्नो लेपर्ड्स, प्यूमास, जैगुआर्स एंड चीताज। तो ये 7 टाइगर रिजर्व्स ओपन किए, 7 बिग कैट्स को इंक्लूड किया गया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में, जिसमें अभी चीता के लिए इंडिया में कूनो नेशनल पार्क ओपन किया गया है मध्य प्रदेश में। और ये कूनो नेशनल पार्क में अभी एक न्यूज़ आ रही है कि एक चीता की डेथ हो गई जिसका नाम था साशा, तो साशा नाम की चीता की डेथ हो गई है। और ये रिसर्च का पर्सपेक्टिव है कि ये इतनी जल्दी कैसे इसकी डेथ हो गई, क्या ये लोग यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पा रहे, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका से मंगाए गए हैं, साउथ अफ्रीका से इंडिया में लाए गए हैं। इंडिया में पूरी तरीके से चीता जो थे एक्सटिंक्ट हो गए थे, ख़त्म हो गए थे 19th सेंचुरी में, जिसकी वजह से इन्हें फिर से रिहैबिलिटेट करना पड़ा। और रिहैबिलिटेट करने के लिए हम लोगों ने साउथ अफ्रीका से इम्पोर्ट किए चीता, और उसमें एक चीता साशा की डेथ हो गई। तो हो सकता है कि यहाँ के एटमॉस्फियर, यहाँ के वेदर, यहाँ के क्लाइमेट से ये लोग अभी यूज्ड टू नहीं हो पाए, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। तो ये 7 बिग कैट्स का अलायंस, इंटरनेशनल अलायंस इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है। तो देखिए ये 7 बिग कैट्स हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में, जैगुआर है ये, प्यूमा है ये, लेपर्ड ये है, लायन, टाइगर, चीता और स्नो लेपर्ड। ये 7 बिग कैट्स को इंक्लूड किया गया है इस अलायंस में, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में इंडिया ने मेगा ग्लोबल अलायंस को प्रमोट किया है, और अगले 5 सालों में, नेक्स्ट 5 ईयर्स में, इनकी फंडिंग $100 मिलियन करके, मतलब लगभग 800 करोड़ रुपए की फंडिंग करके इन 7 बिग कैट अलायंस, इन 7 बिग कैट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, कंजर्व किया जाएगा। तो ये है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ दी 7 बिग कैट्स। मेंबर कंट्रीज 97 हैं इसमें, 97 मेंबर कंट्रीज को इंक्लूड किया गया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में। ये कंट्रीज जो हैं रेंज कंट्रीज हैं, और अदर इंटरेस्टेड नेशंस एंड ऑर्गन्स हैं जो इस अलायंस को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो 97 कंट्रीज ने इस इंटरनेशनल बिग अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को ज्वाइन किया है। इसमें एडवोकेसी, पार्टनरशिप, नॉलेज पोर्टल, कैपेसिटी बिल्डिंग, इको टूरिज्म, एक्सपर्ट ग्रुप्स और फाइनेंस टैपिंग होगी इन 7 बिग कैट्स के लिए। गवर्नेंस स्ट्रक्चर होगा जनरल असेंबली, काउंसिल एंड सेक्रेटेरिएट का। फंडिंग $100 मिलियन मतलब 800 करोड़ रुपए की होगी। अगले 5 सालों तक इनको प्रोटेक्ट और कंजर्व किया जाएगा थ्रू
मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस एंड प्राइवेट सेक्टर्स अलॉन्ग विद गवर्नमेंट सेक्टर. प्रीवियस इनिशिएटिव इंडिया हैड इन 2019 कॉल्ड फॉर एन अलायंस ऑफ ग्लोबल लीडर्स टू कर्ब पोचिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इन एशिया. तो 2019 में भारत ने इन बिग कैट्स की इलीगल पोचिंग को रोकने के लिए और वाइल्ड लाइफ ट्रेड को रोकने के लिए एशिया में ये इंटरनेशनल ग्लोबल लीडर्स का अलायंस बनाया था, और इसी अलायंस को अब ये नाम दिया गया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस. इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव 5 बिग कैट्स इन वाइल्ड. इंडिया में केवल जैगुआर और प्यूमा नहीं पाए जाते, और जैगुआर और प्यूमा के अलावा ये पांचों बिग कैट इंडिया में पाए जाते हैं, और ये वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी कंट्री है जहां पर ये 5 बिग कैट्स एक साथ पाए जाते हों. बिग कैट्स आर अम्ब्रेला एंड फ्लैगशिप स्पीशीज हुज लूज कैन सेट ऑफ अ ट्रॉपिक कास्केड. तो अगर ये पांचों बिग कैट्स इंडिया से ख़त्म हो जाएं तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्वेश्चन मार्क इंडिया में डेवलप हो जाएगा, और बायोडाइवर्सिटी डिसबैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से इन्हें कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इंडिया इज़ दी होम ऑफ 75% ऑफ ग्लोबल टाइगर्स. पूरे विश्व में जितनी टाइगर की पॉपुलेशन है, उस टाइगर की पॉपुलेशन का 75% केवल इंडिया में ही रहते हैं टाइगर्स. तो इसी वजह से इंडिया को ये स्टेप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ताकि इंडिया की बायोडाइवर्सिटी सस्टेन रह सके. इंडिया में ये बिग कैट्स आगे भी आने वाली जनरेशन्स के लिए विजिबल हों, तो इसी वजह से इंडिया ने ये स्टेप लिया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को इंट्रोड्यूस करके. हालांकि 97 कंट्रीज़ ने इसमें ज्वाइन किया है, लेकिन फिर भी उन 97 कंट्रीज़ में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री इंडिया ही है. तो अभी हम लोगों ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में डिस्कशन किया, और अब हम लोग आ जाते हैं फिर से अपने टाइगर सेंसस पर. इस टाइगर सेंसस में हमने टोटल ओवरऑल 3,167 का नंबर डिस्कस कर लिया है. अब हम लोग स्टेट वाइज टाइगर की जो सेंसस में परफॉर्मेंस रही उस पर डिस्कशन करते हैं. तो सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में काउंट किए गए हैं. 526 टाइगर्स को मध्य प्रदेश में डिटेक्ट किया गया है, और ये जो सेंसस किया गया है ये इसके लिए पगमार्क टेक्निक का यूज़ किया गया, और पगमार्क टेक्निक के अलावा कैमरा टेक्निक्स को भी यूज़ किया गया है, और कैमरा से भी डिटेक्शन किया गया है इन टाइगर्स का. तो ये बहुत ही एडवांस्ड टाइगर सेंसस है जो इस समय रिलीज़ किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में टाइगर काउंट किए गए हैं. 18 राज्यों में टाइगर्स को देखा गया है, और 18 राज्यों में टाइगर्स का नंबर इंक्रीज़ हुआ है. 2014 में इंडिया में 692 प्रोटेक्टेड एरियाज थे, जो 2019 में बढ़कर के 860 हो गए. टाइगर का नंबर छत्तीसगढ़ में कम हुआ है, घटा है. 2014 में टाइगर छत्तीसगढ़ में 46 थे, लेकिन 2018 के सेंसस में ये घट करके 19 ही रह गए, और अभी 2022 के सेंसस में छत्तीसगढ़ में 19 ही टाइगर्स हैं. आंध्र प्रदेश में टाइगर का पॉपुलेशन कम हुआ है, 48 टाइगर्स थे 2018 में, और 2014 में 68 हुआ करते थे. तो 68 से घट करके 48 रह गए 2018 में. और आंध्र प्रदेश में 2022 में 48 टाइगर्स ही हैं. तो इस तरीके से ओडिशा एक ऐसा स्टेट है जिसमें ना तो टाइगर्स का नंबर इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ. 28 2014 में थे, 28 ही 2018 में हैं. 2019 में मोदी ने ग्लोबल लीडर्स अगेंस्ट पोचिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इन एशिया ये इनिशिएटिव लॉन्च किया था, और इसी इनिशिएटिव को अब 2023 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस नाम दे दिया गया है. बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कर्नाटका में है, इसे नागरहोल टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है,
और थेपाकाडू एलिफेंट कैंप भी इन्होंने जाकर के देखा, और मुडुमलाई टाइगर रिज़र्व का भी इन्होंने चक्कर लगाया। ये मुडुमलाई टाइगर रिज़र्व जो है इसीलिए अभी हाइलाइटेड है क्योंकि मुडुमलाई टाइगर रिज़र्व में एलिफेंट विस्परर नाम की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्माई गई है। एलिफेंट रिज़र्व है ये मुडुमलाई टाइगर रिज़र्व, और थेपाकाडू एलिफेंट कैंप। तो एलिफेंट विस्परर नाम की जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है इसको मुडुमलाई टाइगर रिज़र्व में फिल्माया गया, और इस एलिफेंट विस्परर को इस बार का ऑस्कर अवार्ड शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए दिया गया है। इसीलिए ये ग्लोबली वर्ल्ड वाइड शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है, अक्लेम्ड है। तो ये मुडुमलाई टाइगर रिज़र्व का भी इन्होंने चक्कर लगाया, और यहाँ पर इन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, और प्रोजेक्ट टाइगर की सक्सेस ना केवल इंडिया की सक्सेस है बल्कि पूरे वर्ल्ड की ये सक्सेस है, जिसमें टाइगर इकोसिस्टम को मेंटेन किया गया है और फ्लरिश किया गया है। ये बहुत ही ग्रेट हैप्पीनेस का विषय है, और इंडिया के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अमृत काल में ये उपलब्धि हम लोगों ने प्राप्त की है। तो बिग कैट काउंट 2006 में 1411 हुआ करता था, 2010 में 1706 हो गया, 2014 में 2226, 2018 में 2967 और 2022 में 3167 हो गया। ये जो इमेज है ये भोपाल में वन विहार नेशनल पार्क है, भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क की ये इमेज है, और इसमें ये दिखाया गया है कि पिछले 4 सालों में 2018 से 2022 तक, पिछले 4 सालों में इंडिया में जो टाइगर्स की पॉपुलेशन में ग्रोथ हुई है वो 200 टाइगर्स की हुई है, 200 टाइगर्स या फिर 6.7%। पूरे वर्ल्ड में इंडिया में टाइगर की पॉपुलेशन 75% पाई जाती है इंडिया में। पूरे इंडिया में जो टाइगर रिजर्व्स का लैंड है, ये टाइगर रिजर्व्स का लैंड 75,000 स्क्वायर किलोमीटर है, और ये केवल गवर्नमेंट का ही यूनिफॉर्म एफर्ट नहीं है, इसमें जनमानस भी शामिल है, इंडिविजुअल्स भी शामिल हैं, इसमें प्राइवेट सेक्टर भी शामिल हैं, और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस का भी इसमें हाथ रहा है। तो जब ये यहाँ पर इन्होंने टाइगर रिजर्व को, टाइगर सेंसस को डिक्लेयर किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो उसके बाद ये एलिफेंट्स कंजर्वेशन के लिए भी इन्होंने थेपाकाडू एलिफेंट कैंप भी गए और मुडुमलाई टाइगर रिजर्व भी गए, और फिर उसके बाद यहाँ पर इन्होंने अपनी ट्वीट किया, और ट्वीट में इन हाथियों के साथ ये मिले, इन एलिफेंट्स के साथ, और इनमें बोमन एंड बैली भी शामिल थे, बोमी एंड रघु भी शामिल थे। तो ये 4 एलिफेंट इस समय बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड हैं क्योंकि एलिफेंट विस्परर डॉक्यूमेंट्री में इन 4 एलिफेंट ने काम किया हुआ है, जिनमें से ये जो 2 एलिफेंट हैं बोमन एंड बैली, ये तो बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि ये बोमन एंड बैली एलिफेंट ऐसे एलिफेंट हैं जिसमें एलिफेंट विस्परर की जो स्टोरी है, एक ऑर्फन चाइल्ड एलिफेंट होता है, उस ऑर्फन चाइल्ड एलिफेंट को बोमन एंड बैली और बोमी एंड रघु टेक केयर करते हैं, समझाते हैं और उसकी लुक आफ्टर करते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड हैं, और नरेंद्र मोदी जी ने खुद इन चारों का नाम लेकर के ट्वीट किया है, और इनसे मिले भी हैं ये कर्नाटका में जाकर के मुडुमलाई टाइगर रिजर्व में। Why is it that while in other parts of the world as the tiger population remains stable or declines, it is actually increasing in India? Because the connection with diversity and environment is woven into our traditions and our culture. तो उन्होंने कहा कि क्यों पूरे विश्व में या तो टाइगर का काउंट कम हो रहा है या फिर टाइगर की पॉपुलेशन स्टेबल बनी हुई है, लेकिन इंडिया ही एक ऐसी जगह है जहां पर टाइगर का काउंट इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमारे नेचर में, हमारे कल्चर में ये है कि हमें अपने बायोडाइवर्सिटी को, अपने इकोसिस्टम को प्रिजर्व करना है, कंट्रोल करना है, इसी वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है कि टाइगर का काउंट इंडिया में ही केवल इंक्रीज हो रहा है,
इन रेस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज। और ये डीडी न्यूज़ का ट्वीट है जिसमें इन्होंने चीता पर फोकस किया है। चीता हैड बिकम एक्सटिंक्ट इन इंडिया डेकेड्स अगो, वी ब्रॉट दिस मैग्निफिसेंट कैट टू इंडिया फ्रॉम नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका, दिस इज द फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन ऑफ द बिग कैट। तो ये जो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में चीता को फिर से रिहैबिलिटेट किया गया है नामीबिया और साउथ अफ्रीका से ला करके, उसके बारे में ये ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस ओर भी मीडिया का ध्यान आकर्षित कराया कि ये जो बिग कैट्स हैं, जो सेवन बिग कैट अलायंस बनाया गया है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, तो ये बिग कैट्स इंडिया में अभी डेवलप हुई हैं, ऐसा नहीं है। इसे मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं में आज से 10 से 15 हजार साल पहले ही भित्ति चित्रों में, केव पेंटिंग्स में दिखाया गया था। तो ये इंडिया की इंडिजीनस स्पीशीज भी कही जा सकती हैं। तो ये भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में कहा, केव पेंटिंग्स का नाम लिया। और उन्होंने इसमें आगे कहा कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने भी इनके कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। तो देखिए, ये भीमबेटका केव्स में इस तरीके की पेंटिंग की गई है बिग कैट्स की। तो लायंस विद अ डॉटेड बॉडी ऑन अ टॉप ऑफ द हर्ड, एग्स, कैटल, एलिफेंट एंड बिग कैट्स। तो इसमें कैटल्स भी हैं, एलिफेंट्स भी हैं और बिग कैट्स भी हैं। ये पेंटिंग भीमबेटका की केव पेंटिंग है और ये एलिफेंट दिखाए गए हैं पेंटिंग्स में। और इसके अलावा एक जो वाइल्ड पिग होता है, वाइल्ड पिग एक ह्यूमन बीइंग को चेज करते हुए दिखाया गया है। ये भी एक बहुत ही एग्जाम्पलरी पेंटिंग है भीमबेटका केव पेंटिंग्स में। तो इस तरीके से आज से लगभग 10 से 15 हजार साल पहले ये बिग कैट्स इंडिया में रहा करते थे और आज भी इनको इंडिया में उसी तरीके से हम लोगों को प्रोटेक्ट करना है ताकि आगे आने वाली जनरेशन्स इनको देख सकें और इनके बारे में जान सकें। Prime Minister further mentioned that the population of lions, leopards, elephants and single-horned rhino has also increased. तो इंडिया में lions की population increase हुई है, leopards की population increase हुई है, elephants की population भी increase हुई है और single-horned rhinos जो हैं Kaziranga National Park और Manas में, आसाम में, यहाँ पर इनकी rhinos की, गैंडो की भी population में increment देखा गया है। एशियाटिक एलिफेंट और सिंगल हॉर्न राइनोस पूरे वर्ल्ड में केवल इंडिया में ही पाए जाते हैं। इंडिया इज दी ओनली कंट्री टू हैव दीज डिफरेंट स्पीशीज। इस तरीके से एशियाटिक लॉइन भी इंडिया ही में, पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं, जहां इनको प्रिजर्व करके रखा गया है गुजरात के गिर में। With only 2.5% of the 2.4% of the global land area, इंडिया का जो टोटल लैंड एरिया है वो पूरे वर्ल्ड की लैंड एरिया का 2.4% है। और इस पूरे 2.4% के लैंड एरिया में 8% बायोडाइवर्सिटी देखी जाती है। 8% की वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी कंटेन करता है इंडिया। और ये इंडिया का एक डिफरेंट एस्पेक्ट है जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड से टूरिस्ट इंडिया में आते हैं देखने इन वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी को। 30,000 एलिफेंट्स हैं इंडिया में इस समय। वी आर लार्जेस्ट एशियाटिक एलिफेंट रेंज इन द वर्ल्ड। नोटिंग दैट द पॉपुलेशन ऑफ द सिंगल हॉर्न राइनो वॉज ऑल्सो हाइएस्ट। तो 30,000 के आसपास इंडिया में एशियाटिक एलिफेंट हैं और
सिंगल हॉर्न राइनोस का भी नंबर इंडिया में इंक्रीज हो रहा है, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब वो टाइगर सेंसस को रिलीज कर रहे थे। तो ये टाइगर सेंसस है, इस टाइगर सेंसस में 14,000 कैमरा ट्रैप्ड यूज किए गए, जो कि 44% ज्यादा था 2014 के सेंसस से। 18 राज्यों में सर्वे कराया गया और उसमें ये टाइगर्स का काउंट हम लोगों ने देखा है 3,167 18 स्टेट में। वैसे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, लेकिन 18 स्टेट्स में ही हम लोगों ने ये नंबर जो है अचीव कर लिया। 3,200 मीटर एल्टीट्यूड हाईएस्ट स्पॉट है अरुणाचल प्रदेश में, जहां पर टाइगर्स देखे गए, काउंट किए गए। मोबाइल ऐप बनाया गया है इसके लिए एम स्ट्रिप्स नाम से, एम स्ट्रिप्स मोबाइल ऐप है ट्रैक करने के लिए टाइगर्स को कैमरा के थ्रू। अच्छा, अगर डेथ की बात करें तो आज भी टाइगर्स की जो डेथ होती है इंडिया में वो 55% नेचुरल डेथ है, जबकि जो पोचिंग के द्वारा, टाइगर किलिंग के द्वारा डेथ होती है टाइगर्स की, वो 22% है। तो ये डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स है टाइगर की डेथ्स का इंडिया में। ड्यू टू वेरियस कंजर्वेशन एफर्ट्स द पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक लायंस हैव ऑल्सो ग्रोन। अच्छा, तो एशियाटिक लायंस की बात करें अगर, जो गिर में लायन सेंचुरी है इंडिया की, उसमें 2015 में 525 एशियाटिक लायंस थे, जो 5 सालों में 2020 में बढ़ करके 675 हो गए। 525 से एशियाटिक लायंस का नंबर बढ़ करके 675 हो गया 2020 में। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने भी लायन और टाइगर के पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट में सपोर्ट किया है। एंडेंजर्ड एक्वाटिक स्पीशीज की पॉपुलेशन भी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की वजह से इंक्रीज हुई है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ये जो टाइगर सेंसस और एलिफेंट और लायन और एक्वेटिक एनिमल्स और सिंगल हॉर्न राइनो के नंबर्स में इंक्रीमेंट है, ये इंक्रीमेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की वजह से और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशंस की वजह से इंडिया में डेवलप हो पाया। इंडिया में जो टाइगर सेंसस कंडक्ट कराया जाता है, ये दो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो टाइगर सेंसस कंडक्ट कराती हैं, एक तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और दूसरा है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो टाइगर सेंसस को काउंट करती हैं, कंडक्ट कराती हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना 1982 में देहरादून में की गई थी, जबकि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2005 में एस्टैब्लिश की गई, और ये इंडिया में टाइगर की पोचिंग को कंट्रोल करने, पोचिंग को रोकने और टाइगर के पॉपुलेशन को इंक्रीज करने, इनको प्रोटेक्ट और कंजर्व करने का काम करती हैं दोनों ऑर्गेनाइजेशंस। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया टाइगर सेंसस 2023 के बारे में और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में और टाइगर और एलिफेंट और सिंगल हॉर्न राइनोस के प्रेजेंट स्टेटस के बारे में। तो अब जाते जाते हम लोग एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि टाइगर से ही रिलेटेड है। नामडाफा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम।
तो नाम डाफा, इस समय जो टाइगर रिजर्व की संख्या है इंडिया में वो 53 है, 53 टाइगर रिजर्व हैं। और जो सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व बनाया गया है, ये इसकी ओपनिंग 30 अक्टूबर 2022 में की, और ये है रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में, रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में। ये 53rd टाइगर रिजर्व हो गया है, सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है जिसे ओपन किया गया है 30 अक्टूबर 2022 में, रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में। तो नामडाफा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश मणिपुर में है, अरुणाचल प्रदेश में है, नागालैंड में है या फिर मिजोरम में है। तो इसका सही आंसर है ये है नामडाफा टाइगर रिजर्व। तो आप देख पा रहे हैं ये है अरुणाचल प्रदेश का मैप। तो नामडाफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है, ऐसे ही सुंदरबन टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में है, सिमली पाल उड़ीसा में है, उदाती सीता नदी उड़ीसा में है, इंद्रावती कर्नाटका में है, राजा जी नेशनल पार्क और राजा जी टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है, पीलीभीत और दुधवा उत्तर प्रदेश में है, सरिस्का राजस्थान में है, रणथंबोर राजस्थान में है, मुकुंद्रा हिल्स राजस्थान में है, सतपुड़ा पन्ना संजय दुबरी ये मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़ कान्हा मध्य प्रदेश में है, पेंच मध्य प्रदेश में है, मेलघाट महाराष्ट्र में है। तो ये हम केवल रिवाइज करा रहे हैं क्योंकि टाइगर रिजर्व के से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस वजह से आप एक बार जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं उनको देख लीजिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स को देख लीजिए। तो आज इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।